हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। गाइस, आईबीपीएस क्लेरिकल का जो स्कोर कार्ड है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट इस हद तक है कि लगभग 10 से 12 नंबर तक का मार्जिन लोगों को अपने अटेम्प्ट्स में दिखाई दे रहा है। अगर हम इंग्लिश सेक्शन को साइडलाइन करें उसके बावजूद भी काफ़ी सारे लोगों ने अपने स्कोर कार्ड मुझे भेजे हैं। आप लोग अपना स्कोर कार्ड जरूर चेक कर लें। और यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ पहले बता दूँ कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में 8.75 है और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 नंबर में से 13.75 इतनी कट ऑफ रखी गई है और रीजनिंग की कट ऑफ 15.75 है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गुजरात की कट ऑफ है, ठीक है। गुजरात की 72 यहाँ पर कट ऑफ है और ये पर्सन क्वालिफाइड कर चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गुजरात रीजन का यहाँ पर मैं आपको स्कोर दिखा रहा हूँ। इसके बाद ये किसी ने भी महाराष्ट्र का एक बार भेजा था टेलीग्राम पर, तो ये 18 तारीख का एग्जाम है बेसिकली। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कट ऑफ है वो है नियर अबाउट 70.25, इतनी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। मेरे पास में एक स्कोर कार्ड और आया हुआ है, ये है हरियाणा का, ओके। तो हरियाणा में जो कट ऑफ है वो है 78.50 और आप देख सकते हो सेक्शनल ऑलमोस्ट हर जगह सेम 8.75, 13.75 और 15.75, ठीक है। तो इतना यहाँ पर डिफरेंस है। हम देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 में से 26 नंबर लाया है बंदा ये, और ये 35 में से 29 लाया है। अगर हम पीछे वाले और दो कैंडिडेट्स की मार्क्स को यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करें, देखो यहाँ पर तो इन्होंने अपने क्रॉप कर रखे हैं कितने कितने आए, लेकिन ये गुजरात वाले पर्सन के आप मार्क्स देख सकते हो, रीजनिंग में इनको अच्छे खासे नंबर मिले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में काफ़ी बड़ा नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट है और ये 19 वाला पेपर है, ठीक है। 19 को आप देख लो, जो 35 बनाकर आया और उसे पता था कि यार मेरे 32 आ जाएंगे 33 आ जाएंगे, लेकिन नंबर कितने मिले 24, तो लगभग 9 से 12 13 नंबर तक का जो नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक बार हर एक स्टेट का मेरे पास आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। कर्नाटका में 67.25 है और यूपी का 77 है, ये आपको बता रहा हूँ स्कोर, ठीक है, कि इतनी कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ आपके स्टेट में कितनी कितनी कट ऑफ गई है, सो दैट काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट सेक्शन से ही देख लेंगे। और बाकी एक बार हम पूरा आपको एक एक्सेल सीट फॉर्मेट में जो है थोड़े टाइम के बाद में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगेगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये वाली बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मार्क्स यहाँ पर बता पाएँ। थैंक यू।